Cool. All right, so let's start. So, what do we have today? यस वेलकम वेलकम। कौन सा मैं वीकली फोर्थ है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा है याद भी नहीं है। आई थिंक चौथा है, चौथा मुझे ऐसा लग रहा है। है। ओके, फोर्थ एडिशन ऑफ वीकली गेमिंग। वीकली गेमिंग बोला था इसको, अभी ईयरली गेमिंग ना बने ऐसी कोशिश करेंगे हम लोग, और इसको वीकली रखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो काफी न्यूज है, काफी एज वैभव ने बोला कि तमाशे इंडस्ट्री में चल रहे हैं। तमाशे बोलो, बवाल बोलो, कुछ भी बोलो, बेसिकली इंडस्ट्री थोड़ी बावली सी हो रखी है इस टाइम पे। पगला गए हैं लोग, सब हाथ पैर मार रहे हैं कि चल क्या रहा है, ले ऑफ भी चल रहे हैं सबका, वो भी है। मतलब दिस इज अ वेरी वियर्ड सिचुएशन की, मतलब एट द सेम टाइम वेन इंडस्ट्री सीइंग सच अ यू या नो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ग्रोथ उसी के साथ साथ ये डाउनफॉल भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा चीजों का, बट तो वो वो होता पार्ट है। है लेकिन ना वो ब्रो, पार्ट है पार्ट ना है, इंडस्ट्री एग्जैक्टली का, जिधर वो बैलेंस कैसे होएगा वरना दुनिया। वही वही। तो वो हर 5 6 साल में ऐसा रहता है, ये बस थोड़ा सा लंबा टाइम खिंच गया था बीच में, कि वो या कोविड के वजह से थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, वरना ये चीज पहले ही आने वाली थी, बट वो करेक्ट एक्सटेंड हो गया था, तो इट वाज गुड। तो ठीक है, हमेशा की तरह एज यूजुअल बढ़िया चीजें चल रही हैं, और आई थिंक नेक्स्ट अच्छा ही होने वाला है कुछ ना कुछ आगे। तो शुरू करते हैं, पहला न्यूज जो है ये Web3 गेमिंग इज एंटरिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स मेच्योरिटी। तो इसका क्या मतलब है, आई विल गिव यू जस्ट अ ब्रीफ कि मतलब क्या हो क्या रहा है Web3 में ना। तो अभी जो GDC हुआ था इस साल, हाँ उसमें इट वॉज जस्ट लाइक कंप्लीटली फिल्ड विद Web3 प्रोजेक्ट। मतलब इतने Web3 प्रोजेक्ट वहां पे आए हैं GDC के अंदर ही, मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया था, बट जो लोग मेरे यहाँ पे जान पहचान में गए थे, सब लोग मतलब काफी बात करते थे कि Web3 वॉज लाइक, तो उसका है लाइक इज अ विजिबल चेंज कमिंग इन दी इंडस्ट्री। सब लोग उस पर काफी इंटरेस्टेड हैं दोबारा, जो पिछले ट्वेंटी ट्वेंटी वन और टू के जो 2021 में, वही मैं भूल रहा था, इंडिया में तो बौखला गए थे लोग। वी IGDC से वी इवन डिड एन इवेंट इन बैंगलोर, जहाँ हाँ पे हम लोगों ने ये Web3 का इवेंट किया था पूरा भर भर के। मोस्टली 18, 20, 22 ईयर ओल्ड फाउंडर्स रेजिंग लाइक क्रेजी मनी, 5, 10 मिलियन डॉलर्स लेके नया कुछ बना रहे हैं। एंड देन एंड इंडिया में क्या हुआ अपने को मालूम है, क्विकली वो बबल इतना 6 महीने में ये हो गया। बट आई थिंक ये जो तू बोल रहा है GDC में, आई ऑल्सो हर्ड दिस थिंग जहाँ पे दिस वॉज ऑन राइज। सो आई डोंट नो फ्यूचर क्या है, बट एनी थिंग दैट यू हर्ड विद इन दिस न्यूज़ जो इंटरेस्टिंग लग रहा है तुझे। ऐसा, मतलब इसमें क्या है ना कि जो जो मेन थिंग विच आई एम सीइंग इज द अप्रोच, राइट। सो पहले क्या था कि जो लोगों ने ट्राई किया और जो फेल हुए, उसमें उन्होंने डायरेक्ट Web3 का मतलब दे प्रेजेंटेड देमसेल्फ एज अ Web3 गेम, राइट। तो इसलिए वो डायरेक्ट उसका एक्सपेक्टेशन एकदम ही चेंज हो गया लोगों के दिमाग में, क्योंकि नई चीज एकदम से आ गई। लोगों को Web3 सुनते ही क्रिप्टो के दिमाग में आते हैं, उनको लगता है कि अच्छा अब इससे पैसा कमा सकते हैं, तो वो पे टू अर्न उनके दिमाग में था कि यही चीज होगी। अभी क्या कर रहे हैं ना, अभी वो अभी अप्रोच चेंज कर दिया है, लाइक दे हैव लर्न्ड फ्रॉम द फेलियर्स, राइट। तो अभी अप्रोच कैसा है कि वो जब जिम ज्वाइन करते हैं अपन, तो कैसा होता है कि जिम में जाते हैं तो पहले 2 3 दिन नॉर्मल रहता है सब कुछ एकदम, सब ट्रेनर फ्लोर वाले ट्रेनर होते हैं, कोई बोलता है हाँ कोई आपको टेंशन नहीं, कोई आप आओ जिम में सब अच्छा है। फिर जैसे ही ट्रेडमिल पे चढ़ेगा 5 मिनट बाद पर्सनल ट्रेनर आ जाएगा, पर्सनल ट्रेनिंग सर, पर्सनल ट्रेनिंग सर। तो ऐसा वाला हिसाब, अभी अप्रोच चेंज कर रहे हैं ये कि Web2 से लेके जाएंगे गेम में, Web2 का पूरा एक्सपीरियंस देंगे, एंड स्लोली दे विल गिव यू कि हाँ Web3 भी है, अगर तुमको देखना है तो देख लो, मतलब थोड़ा हमारे मन करे तो। और फिर जो उस वैसे डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इट्स टेकिंग द Web2 अप्रोच एंड देन स्लोली ट्रांजिशनिंग की Web3 में, बहुत सेफ अप्रोच लेना कोशिश कर रहे हैं, विच इज आई थिंक वर्किंग वेल, और ऐसे ही होना चाहिए था। वरना तुम डायरेक्टली अगर बोलोगे कि यही है Web3 है, NFTs है, तो नहीं चलता है वो चीज, एंड दिस बिकॉज एक्चुअली ये चीज़, ये अप्रोच एक्चुअली बहुत सारे जो मेच्योर्ड कंपनीज थे ना वो टाइम पे भी, 2021 के एंड तक ना, दे ऑलरेडी स्टार्टेड दिस। लाइक वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग डायरेक्टली आपको Web3 में गेम बनाना है उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू हाँ फिगर आउट गेम्स विच आर गुड ऑन Web2 और करेक्ट, फिर उसको यू नो हेल्प कर रहे थे टू बिल्ड इट ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट एडवांसमेंट इन टू इट। तो आई थिंक अप्रोच सही है, बट लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। डेफिनेटली या। तो अभी इसके ऊपर इतना बहुत डीप में अभी नहीं जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और इस पे देखेंगे कि कौन से कुछ प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह अभी आगे आते हैं, तो उसके ऊपर वी विल डेफिनेटली कवर इट मोर। या बट बट या जिन जिन वन को या Web3 में है अभी भी इंटरेस्ट, इट्स लुकिंग लाइक अ गुड फ्यूचर। सो हाँ, फिर मतलब जो वो फोर्ब्स कमबैक इसका होना फोर्ब्स ही ने था वो, हाँ मतलब ये तो फोर्ब्स का तो ऐड चल रहा है खाली बगल अच्छा में।
नहीं नहीं वेबसाइट भी उसी का अच्छा बेसाल फोर्ब्स में आया हुआ आर्टिकल। नहीं हम लोग ऐसा कोई फेक न्यूज़ थोड़ी कवर करते हैं, फोर्ब्स का आया है भाई वो, अच्छा ऑफ है कोर्स यार, वी आर प्रॉपर प्रोफेशनल पीपल टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल स्टफ, प्रोफेशनल, सो बिल्कुल एकदम ऐसे बकवास चीजें प्रोफेशनल नहीं करते हम लोग। एकदम एग्जैक्टली। तो वेब थ्री इज डेफिनेटली मेकिंग अ कमबैक, सो कीप एन आई। ऑसम नेक्स्ट, जहां हम ग्रोथ की बात करते हैं वहां माइक्रोसॉफ्ट हमेशा कुछ ना कुछ बकवास जरूर कर देता है। यार, जब तो भी माइक्रोसॉफ्ट का कुछ न्यूज़ आता है ना, मुझे वो मीम ही याद आता है जहाँ पे वो दो तीन डोर्स है जिसमें सेटन निकल आता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कंपनी को। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भैया अपने बहुत सारे स्टूडियोज बंद कर दिए हैं। रेडफॉल डेवलपर आर्केन, सपोज टू बी अ वेरी गुड डेवलपर, उनको बंद कर दिया है। हाई फाई रश, विच वॉज इंडस्ट्रीज डार्लिंग, टैंगो गेम वर्क, दिस वॉज अ कम्प्लीट शॉकर। इसको तो कोई मतलब क्यों बंद किया, कुछ बेचारा ऐसे ही इसका तो गला कट गया बेकार में। फ्री फंड में आ गया और वो। प्री फंड में आ गया कि भाई सबका हो रहा है, तुम भी थोड़ा बहुत तो कर दो। और बेथेस्डा स्टूडियोज में भी इनका कटा है काफी। मतलब मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का ये बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आता। एक तो इनका एक्सबॉक्स वैसे ही फेल जा रहा है, ठीक है, उसको अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल से इतना प्यार है कि वो हर चीज उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं लोग। माइक्रोसॉफ्ट लाइक एक्सबॉक्स नीड्स गेम्स, उनके पास नहीं है कुछ भी, वो तब भी पता नहीं क्यों, मतलब उनको चाहिए कि कोई छोटे इंडी स्टूडियोज, ऐसे अच्छे स्टूडियोज अच्छे गेम बना के टाइटल निकाल के दे जिनको आजकल में गेम बनाना आता है। वो सिर्फ अपनी जो उन्होंने बड़ा एक्विजिशन किया है एक्टिविजन ब्लिज़र्ड, उसमें मुझे लगता है इतने पैसे उन्होंने डुबा दिए हैं कि अब उनके पास हाल कुछ बचा नहीं है, तो किसी और को सपोर्ट कर नहीं पा रहे, उनको चाहिए बस इससे निचोड़ लो जो निचोड़ सकते हैं, तो पता नहीं क्या करेंगे। जेन्युइनली दे आर लैकिंग बिहाइंड ये पूरे कंसोल वॉर में, बिकॉज तू देख पिछले 2 साल में सोनी ने क्या डिलीवर किए हिट्स कंपेयर टू व्हाट एक्सबॉक्स हैज डन। सो पता नहीं मतलब क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया में भी जो भी ये लोग डेवलपर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, गुड दैट दे आर, आई मीन इट्स थोड़ा दिख रहा है ग्रोथ कि वो लोग डेवलपर्स इंडी डेवलपर्स को ग्रांट्स दे रहे हैं $25,000 और ये सब चीज़ें। इवेंचुअली गोल वही है कि अच्छे गेम्स वो प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए, बट तुम्हारा सब कुछ एंड अगर उस सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ही होने वाला है हाँ, वो तो कोई पॉइंट नहीं है ना। मेरे को सब्सक्रिप्शन मॉडल का ये, मैंने इसमें चीजें निकाली थी कि भाई एक तो ये जो नेटफ्लिक्स और गेम्स जो बोलते हैं, मेरे को इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर। भाई नेटफ्लिक्स और गेम्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब वो चल ही नहीं सकती है किसी तरीके से दोनों चीजें। इट इज लाइक टोटली सेंसलेस है ना, कि मतलब भाई नेटफ्लिक्स पे तुम्हारा कॉन्टेंट कंजप्शन का तुम रेशियो देखो और गेम्स का रेशियो देखो, बहुत डिफरेंट है। गेम खेलने में टाइम लगता है आदमी को, उसको ढंग से बैठना है, एक तो पहले कंसोल खरीदना है, ठीक है, वही तुम्हारा एक ब्लॉकर है, फिर तुमको बैठ के प्रॉपर गेम खेलना है। मैं सीरीज बिंज वॉच कर सकता हूँ रात भर में बैठ के, लेकिन मैं गेम नहीं कर सकता खत्म, मेरे को लगेगा उसमें टाइम, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस मेरे पास ग्रोथ करे। तो वो नेटफ्लिक्स ऑफ गेम्स ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती। अगर कोई तुम बना रहे हो तो भाई बंद कर दो वो चीज, बेकार चीज है, वो सेंसलेस है। इट वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में इसलिए नहीं जा सकता। फ्लैट आउट गेम बेचो जो पैसे नॉर्मली बिकता था, कि भैया हमने गेम बनाया उसको मार्केट में बेचा, लाइव ऑप्स चलाओ, बढ़िया है, वही होना चाहिए मॉडल। सब्सक्रिप्शन पे आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क, और पता नहीं क्यों माइक्रोसॉफ्ट इतना बुलिश है उसके ऊपर। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है भैया इसका नाम सुनते, ये सब चीजें न्यूज देख के चिढ़ मच जाती है मेरे को इंडस्ट्री से। और बट इनके वजह से पिछले 4 एपिसोड में हम लोग ने 3 बार लेऑफ्स की बात की। हाँ यार, मतलब हद हो गई है यार, इन्होंने मतलब पूरा मचा रखी है बिल्कुल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये फिल स्पेंसर भाई साहब जो हैं अपने, वो 10 साल से साला चुतिया पे कर रहा है वो बैठ के माइक्रोसॉफ्ट में। तो उधर या तो आप मोदी जी जाएं तो बचा सकते हैं, वरना तो पता नहीं क्या होगा। भाई फिर एक बार बीजेपी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में अब। वही हो सकता है अभी तो। हाँ, बट ऑन द अदर हैंड, माइक्रोसॉफ्ट के एक और न्यूज जो थी, विच इज लीडिंग टू आवर नेक्स्ट या न्यूज, इज दे दिस आर इज लॉन्चिंग ह्यूज। एक्सबॉक्स मोबाइल गेमिंग स्टोर। नाउ ये अच्छा न्यूज है, लेकिन ये कितना कन्वर्ट करेगा उसका मेरे को आइडिया नहीं है। इसके लिए भी इनका क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये, इन्होंने अपना इनको मोबाइल प्रेजेंस बढ़ाना है, ठीक है, इनको लेवरेज करना है इनके एक्विजिशन को, एक्टिविजन ब्लिजर्ड किंग को खरीद लिया इन्होंने, तो अब ये उसका करेंगे क्या। एप्पल उस पे वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मतलब अगर हम खुद का ही स्टोर निकाल रहे हैं, और गूगल और एप्पल के अलावा अगर कोई कंपनी है जो कर सकती है तो वो माइक्रोसॉफ्ट ही है, विच इज फेयर, राइट, तो वो कर सकती है। हाँ, तो अगर तो वो अपना निकालेंगे तो उससे वो कर सकते हैं, उनका डिपेंडेंसी कम होता है एप्पल और गूगल से। फिर से इनका जो मेन एजेंडा ये भी था कि ये फिर से इंटीग्रेट, मतलब गेम पास को इंटीग्रेट करेंगे इसके अंदर, तो दे आर दे कैन ऑफर मोर ऑन मोबाइल, गेम वो पास उनका आने ही वाला है उसके अंदर।
और उनका बिल्ड एक सीमलेस इकोसिस्टम बिल्ड हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सबॉक्स एंड देयर खुद का स्टोर होगा वगैरह. तो ये क्या काम कैसे करेगा, ये बेसिकली सोच रहे हैं कि अपना एक वेबसाइट टाइप का वो लॉन्च करेंगे जो हर एक डिवाइस से एक्सेसिबल है. सो यू कैन एक्सेस इट थ्रू एनी ब्राउजर एंड देन यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द गेम्स फ्रॉम दैट. सो इनिशियली सिर्फ एक्सबॉक्स के ये अपने माइक्रोसॉफ्ट के गेम्स उस पर अवेलेबल रहेंगे एंड इवन देन बाकी डेवलपर्स को ये लोग कैसे लेके आते हैं, फ्री में तो देंगे नहीं जैसे एप्पल गूगल लेता, तो ये भी कुछ तो पैसा मांगेगा ही वहाँ पे. तो क्या डील करते हैं, क्या अब ये भी 30% मांगेगा तो फिर क्यों जाएगा इसके पास कोई आदमी. तो अभी कुछ पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर कुछ वो क्या है, बट दिस इज हैपनिंग. सो आई डेफिनेटली फील देर इज अ नीड ऑफ अनदर स्टोर क्योंकि एप्पल गूगल का राज कुछ ज्यादा ही चल रहा है. एक्चुअली तो वो सिर्फ बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज अ ह्यूज ब्रांड, लाइक अंदर मतलब कैसे करेंगी चीजें आई डोंट नो, बट एटलीस्ट इट हाँ गिव मी एज अ डेवलपर अ गुड ये फील कि एप्पल गूगल को अगर राइट लाइक यू राइटली सेड कम्पीट कर सकता है तो माइक्रोसॉफ्ट डेफिनेटली कर सकता है. एंड ऑन द अदर हैंड मैं मेरे बारे में भी सोच रहा हूँ एज अ डेवलपर कि बॉस देर इज अ न्यू प्लेटफॉर्म विच विल नीड मोर गेम्स यस एंड फॉर अस ऑल्सो एज डेवलपर्स इट्स गुड कि हम लोग उस पर भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का रीच है राइट. तो कुछ ना कुछ करके वो लोग एटलीस्ट ऐसे नहीं है कि न्यू नई ऑडियंस बिल्ड करनी है उनको, दे कैन ईजीली गेट दैट फर्स्ट वेव ऑफ ऑडियंस जो उनको चाहिए. तो डेफिनेटली. अगर बनता है अच्छे तरीके से आई एम लाइक नथिंग लाइक इट. हाँ अगर बनता है और मतलब आई थिंक इफ इट वर्क्स इट्स डेफिनेटली समथिंग गुड. सो इतना अभी इसके बारे में ज़्यादा सुनने को मिल नहीं रहा है बट बिकॉज इट्स जस्ट न्यूज़ राइट नाउ. तो अब वो कैसे होगा क्या होगा अभी पता नहीं है, कि देखते हैं. इट्स काफ़ी टाइम से रूमर्स तो थे कि होने वाला है. इट्स अ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम व्हाट एपिक इज डूइंग. एपिक को चाहिए क्या वो एप्पल पे ही डाले और वहाँ से करे, तो वो अलग उनका तो चल रहा है. बट आई थिंक एपिक ने अच्छा अपना एक पाथवे सबके लिए खोल दिया था कि ऐसा भी सोचो तुम लोग भी. वो कौन सा एड आया था, एक स्कूटी का एड था ना कि व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, वैसा वाला ही है. व्हाई शुड एप्पल हैव ऑल द फन, तो वैसा. क्रेजी थिंग्स जो एनीवे एपिक डू कर रहा एपिक तो भाई है. एपिक ही है ना, वो बढ़िया है अपना. सो नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट इज भाई साहब स्क्वाड बस्टर्स. सो अपना सुपर सेल इज कमिंग अप विद अ न्यू गेम आफ्टर 5 years. इनके 30 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. 30 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन. नाउ प्री रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा सीन भी है. पीपल अभी कंपेयर करने के लिए अगर बोले तो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन जो अभी बीच में लॉन्च हुआ था उसके हाँ 50 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन थे बट वो कन्वर्ट नहीं हुए थे इन डाउनलोड्स. क्यों? बिकॉज पहली बात तो क्योंकि इट्स अ ट्रिपल ए सॉर्ट ऑफ अ गेम, तो जहां पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन मिले हैं वहां पे डिवाइस ही इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो गेम को चला सके, तो कोई पॉइंट नहीं उसका. ठीक है, इट्स अ बिग गेम. उसका 4 GB का उसको डाउनलोड है पहले इनिशियल, और इंस्टॉल करने के बाद मतलब 3 GB और होता है उसके अंदर. तो इतना तो भाई करेगा तो वैसे ही तेरा वो हो जाता है उसमें, बट ये अर्थर्न हो रिलीज जाता हुआ है क्या? ये रिलीज हुआ है क्या? है. नहीं, क्योंकि मई एंड में रिलीज है इसका. अभी अभी सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च में था ये, नहीं मई एंड में बट रिलीज हो. ये मैंने यार ये गेम मेरे साथ ये था पता नहीं कोई और गेम, बट मेरे बगल में आई वॉज एट द इवेंट इन पुणे, मेरे बगल हाँ में बैठ के खेल रहा था एक बंदा. अब वो हो सकता है बिकॉज इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो ब्रॉल स्टार्स और क्लैश ऑफ क्लैंस उन सबके मिक्स हैं. दिस इज नहीं अ नहीं सुपर ही सेल यूनिवर्स. मेंशन नहीं नहीं ही मेंशन दैट दिस इज सुपर सेल्स न्यू गेम एंड दिस इज गोइंग टू अच्छा बी द टॉप गेम इन द कमिंग मंथ्स, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो अभी बंदा लॉन्च तो पगला है ना गया था, वो. वो बंदा पगला गया था इतना खेल रहा, मतलब सामने टॉक्स चल रहे थे वो मेरे बाजू में 3 घंटा हाँ बैठ के ये गेम खेल रहा था. वाह, मतलब इट इज अवेलेबल इन सम कंट्रीज. उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च में रखा है, मतलब जर्मनी में अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं खेल पाया, बट देर इट इज अवेलेबल समवेयर. आई डोंट नो कौन सी कंट्रीज में है, देखना पड़ेगा, बट है अवेलेबल. पता नहीं ये था वो था बट लुक्स लाइक दिस ओनली. यही होगा. दिस इज डेफिनेटली समथिंग विच इज मतलब मुझे वी शुड डू अ वीडियो कि जब ये निकलता है तो उसको एक बार गेम प्ले इसका कवर करेंगे हम लोग. डेफिनेटली बट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड गेम फॉर श्योर. मतलब सुपर सेल इतनी आसानी से गेम लॉन्च करता नहीं है, वो आधे जितने 50 गेम करता को उसको मतलब मारता है 4 गेम फिर को. करता हाँ, तो उनका अगर वो लॉन्च कर रहा है मतलब कुछ तो बात है इसमें. उनके नंबर्स ऑलरेडी काफी स्ट्रांग आ रहे होंगे तभी
तभी वो कर रहा है. तो दैट इज डेफिनेटली हैपनिंग. सो दैट्स दैट्स गुड. सुपरसेल डेफिनेटली नोज हाउ टू मेक मोबाइल गेम्स. तो उनका ये सब कॉल ऑफ वो वॉरजोन टाइप का पंगा नहीं होगा. वो इंस्टॉल वगैरह साइज वगैरह भी उनका नॉर्मल रहता है. लाइक दे आर मोबाइल मास्टर्स, सो देयर इज नथिंग दे कांट डू. सो आई थिंक इसके 30 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशंस मैटर्स अ लॉट मोर देन वॉरजोन 50 मिलियन. ये कन्वर्ट होंगे फॉर श्योर. डेफिनेटली. तो डेफिनेटली गोइंग टू बी ह्यूज. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग दिस वन. नेक्स्ट न्यूज इज नाउ नेटफ्लिक्स एंड रोबलॉक्स हैव पार्टनर्ड फॉर अ डिजिटल थीम पार्क ऑन रोबलॉक्स. रोबलॉक्स काफी क्रेजी है भाई. मतलब मैं पहले इतना रोबलॉक्स को नहीं देखता था, लेकिन अभी मैंने ये न्यूज देखने के बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया. 65 मिलियन DAU है रोबलॉक्स का. 65 मिलियन डेली एक्टिव यूजर. क्या पगला तुझे बनती है यार. तुझे तुझे पता है क्या, रोब्लॉक्स पे देर इज अ किड, हाँ 16 ईयर ओल्ड किड, सिक्सटीन या हाँ 15 ईयर ओल्ड किड मेड अ गेम एंड ऑन रोब्लॉक्स, जिसने अभी तक का रेवेन्यू $60 मिलियन बनाया है। अरे बाबा, अरे बाबा. हाँ ये मतलब यार बहुत यूजीसी है ना, यूजीसी है ना तेरा, तो कंप्लीट. तू बना सकता है जो भी तेरे को चाहिए हो, बट देन बना रहे बच्चे, बना रहे, दे आर मेकिंग ह्यूज मनी बच्चे ऑन बना इट। रहे हो, बच्चे उस पे मतलब एक्सप्लोर भी कर रहे हैं ना. मतलब दे आर लाइक अ पार्ट ऑफ दिस. इट्स जस्ट फॉर देम, इट्स लाइक गोइंग टू द प्लेग्राउंड इन द इवनिंग. अपन 4 बजे क्रिकेट खेलने पहुंचते हैं, नीचे 4 लौंडे ये सब रोबलॉक्स पे हाँ खेल ले. तो नहीं, बट ये ये पता है तेरे को, ये कंपेयर इट विद द अदर मेटावर्स काइंड ऑफ एप्स या गेम्स जो है, उसके कंपैरिजन में ये इतना रोबस्ट, इतना मस्त बनाया ना इन लोगों ने, और इतना इजी टू क्रिएट स्टफ लोगों ने बहुत अरे मैंने 6 5 5 साल या 4 साल पहले मैंने देखा था, जो प्रिजन ब्रेक वाला एक गेम था जो काफी पॉपुलर चल रहा था रोब्लॉक्स पे, हाँ हाँ राइट. भाई वो गेम में इतनी पागलपंती थी, सारे जो कैदी है, सारे प्रिजनर्स हैं छूटे हुए, हाँ जो प्रिजन है, और मचा रहे हैं अंदर ही, बैटल रॉयल चल हाँ रहा है अंदर ही, बैटल रॉयल चल रहा है, और उसके उसके जो प्लेज है डेली प्लेज, वो उसी टाइम पे कुछ मिलियंस डेली प्लेज थे उसके। इसके मतलब है, इसका 2.3 आवर्स का एवरेज पर डे का इसका प्ले सेशन टाइम है. 2.3 आवर्स. 14 मिलियन DAU सिर्फ US कनाडा में है, और 100% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इन जापान एंड इंडिया. सिर्फ इंडिया के अंदर 700K DAU है इसका, सिर्फ इंडिया के अंदर. मतलब इंडिया के अंदर भी इतना अच्छा इसका रीच है. आई डेंट नो, दिस इज सुपर गुड. इसमें यूजर एक्विजिशन आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज रोबोट्स के अंदर सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, इतने सारे यूजर्स हैं आपके पास. एक्टिवेशन और ऑनबोर्डिंग काफी ईजी है, बिकॉज सिमिलर सेटअप है, तो आपको ज्यादा कुछ सीखना नहीं है. सेम ही चीज जो रोबलॉक्स का खुद का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ही आप नए नए एक्सपीरियंसेस बना रहे हो. एंड ब्रांड्स कमिंग इन इज टेकिंग दिस टू द नेक्स्ट लेवल. लाइक नेटफ्लिक्स ऑल्सो. नेटफ्लिक्स तो वैसे भी अभी गेमिंग के अंदर घुस रहा है. नेटफ्लिक्स पे जो नेटफ्लिक्स गेम्स का लॉन्च हुए हैं बेस्ट तो ये मूव किसी है, को क्या. ये नेटफ्लिक्स का ये बेस्ट मूव है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, क्योंकि गेमिंग में जितने इंडी गेम्स उन लोगों ने लिए, उससे हाँ बेटर तो ये मूव है, ये क्योंकि काफी अच्छा मूव है. यस हाँ इसमें रहेगा बहुत स्ट्रांग रिटेंशन रहेगा। और वो इनके पास आईपीस भी है ना. वन पीस का है अभी, और किसका था ये स्ट्रेंजर थिंग्स, और काफी सारे इसमें हाँ हैं. स्ट्रेंजर थिंग्स, वन पीस एंड रेबल मून, ये तो ऑडियंस है ही है. तो दिस इज जस्ट आई थिंक अ सुपर गुड मूव. इसे रोब्लॉक्स का जो खुद का अभी जो उनका वो क्या बोलते हैं उसको, रोब्लॉक्स कॉन्फ्रेंस होता है कुछ, उसमें वो लोग अपना बताते हैं. तो मैंने देखा वो 3 घंटे का पूरा प्रेजेंटेशन. यार बहुत बवाल चीज रही है एकदम. मतलब पगला के, मैंने कहा रोब्लॉक्स के लिए गेम बना यार, क्या फालतू चीजें बना रहे हैं हम लोग. अरे द सेम थिंग नो, आई थिंक 2 साल पहले गरीना वॉज ट्राइंग टू डू दिस, गरीना वॉन्टेड टू बिल्ड दिस कॉपी ऑफ रोब्लॉक्स, हाँ तो इंडिया में लॉट ऑफ लाइक गरीना वाले रीच्ड आउट टू मी ऑल्सो, अच्छा क्योंकि देर वॉज अ गेम कुछ ब्लॉक गो, ऐसा कुछ गेम था ब्लॉकमैन गो शायद से, हाँ तो गरीना ने वो खरीदा, विच इज एग्जैक्टली लाइक दिस ब्लॉकमैन गो, अच्छा एंड दे क्रिएटेड द टूल्स इन साइड दैट ब्लॉकमैन गो, सो दैट यू एज अ डेवलपर कैन क्रिएट अ गेम विद इन दैट। सो हाँ वो लोग क्या कर रहे थे, रोब्लॉक्स का कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे थे इंडिया में, एंड ब्लॉकमैन गो वॉज ओ स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, जहाँ पे दे वर रीचिंग आउट टू ऑल द डेवलपर्स इन इंडिया टू क्रिएट गेम्स ऑन दैट। भाई ओके दैट डिडंट गो वेल, बट अभी क्योंकि मैंने देखा वो एक्सप्लोर करके, इट वाज नॉट एज इजी एज रोब्लॉक्स, हाँ बट
रोब्लॉक्स को तुम कंपीट कर रहे हो, टफ देने की कोशिश कर रहे हो, तो द अमाउंट ऑफ थिंग्स दे वर डूइंग, इवन इफ इट वॉज गरीना, आई थिंक इट डिडंट गो रियली वेल. तो आई उसके बाद मैंने सुना नहीं उसके बारे में ज़्यादा कुछ, बट नहीं यार, ये रोबोट्स को मैच्योर होने में 20 साल लगे हैं, वो कोई मतलब कितने टाइम से वो चल रहा है, धीरे 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 बिल्ड किया उन्होंने, फिजिक्स इंजन से शुरू किया था कि कुछ सिमुलेशंस बनाने के लिए, और फिर वहां से अभी आया है. तो वो तो बड़ा का, कोई भी बड़ा कंपनी आ जाएगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल सकता है, लेकिन जो टाइम लगता है मेच्योरिटी में, दैट इज तो लगने ही वाला है. तो और अभी ऑडियंस ऑलरेडी है, दिस इज एट दिस टाइम बिल्डिंग अनदर रोबलॉक्स इज इम्पॉसिबल आई थिंक. सही है, सो लेकिन ये या न्यूज़. यस, सो एनीवन हु इज नॉट एक्सप्लोर्ड रोबलॉक्स, प्लीज गो चेक इट आउट, हाँ इट्स एग्जैक्टली, फ्री. लाइक अगर तुम लाइक दिस इज अ गुड प्लग इन एक्चुअली. तुम लोग इफ यू आर अ यंग डेवलपर, यू वांट टू मेक अ गेम, यू देयर इज नो नीड टू लर्न यूनिटी और अनरियल बैठ के पूरा वो पैसा वैसा स्पेंड करें. गो चेकआउट रोब्लॉक्स, उसमें तुम एक्चुअली जो अपना गेम बनाना चाहते हो, जो भी आइडिया है हाँ आपका, उसको आप इसके टूल्स यूज करके इजीली बना सकते हो. प्लस यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, सो जस्ट गो चेक इट यस आउट. डेफिनेटली. एंड रोब्लॉक्स इज इंट्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एआई टूल्स आल्सो नाउ, सो व्हिच विल मेक दिस इवन मोर इजियर. सो अभी या डू चेक इट आउट इफ यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन मेकिंग गेम्स, जाओ. और इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स, रोब्लॉक्स को एक बार एक्सपीरियंस करना जरूरी है, इट्स वेरी नाइस, कूल. एंड अनदर थिंग, रोब्लॉक्स प्ले स्टेशन पे भी आ चुका है. सो ये नहीं था पहले, अभी पीसी पे था, मोबाइल पे था, और प्ले स्टेशन पे भी आ गया, विच इज इवन लाइक, सो योर गेम व्हेन यू मेक समथिंग इन रोब्लॉक्स कैन ऑल्सो बी प्लेड ऑन प्ले स्टेशन, विच इज जस्ट इनसेन Which भाई, is crazy. दैट इज या सुपर्ब. ऑल राइट देन, द मोस्ट अवेटेड GTA 6 इज फाइनली गेटिंग अ डेट. सो फॉल ऑफ 2025, विच इज बेसिकली फॉल के कौन से महीने होते हैं अपना, सितंबर, सितंबर. अगस्त अक्टूबर के पास आसपास का शायद रहेगा टाइम. तो उसमें चांसेस हैं कि शायद अपना ये रिलीज हो जाएगा. तो आई आई डाउट, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जिस, क्योंकि वी कम फ्रॉम गेम डेवलपमेंट, और जिस स्केल का GTA 6 बना है, मुझे लग नहीं रहा है कि वो इस डेट तक जाएगा. ये इन्होंने अपना से वो अपना क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट हैंडल करने के लिए डाल दिया है कि आ रहा है कुछ तो वेट करो. 2026 थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो जाएगा 2026 तक तो ये, बट लेट्स सी. अभी डेट आया तो प्रेशर तो पड़ेगा, तो उधर क्रंच टाइम होने वाला है मुझे लग रहा है, रात में पिज्जा ऑर्डर होंगे नहीं, अब. ये तो है ही. बट देर इज सम रेपुटेशन, एटलीस्ट जीटीए के केस में दे टेंड टू रिलीज इट अ बिट अर्ली ऑल्सो. तो पता नहीं, वो लोग सरप्राइजेस में ज़रा ज़्यादा ही बिलीव करते हैं. इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज सोनी का PlayStation 5 Pro का भी उसी के आसपास शायद है, तो मे बी उसके वो भी कॉम्बिनेशन में कुछ तो सकता है. आएगा. तो इट कैन या बी तो तो न्यू कंसोल, न्यू गेम्स, 2025 कैन बी अ सरप्राइज फॉर श्योर. या नहीं तो वही है, कंसोल के पैसे इकट्ठा करना चालू कर दो गाइस. हाँ, हम लोग ने इसीलिए यूज दिया कि आज से सेविंग्स करना शुरू करो, तो शायद एक साल में खरीद लोगे, क्योंकि गेम का प्राइस भी ज्यादा होगा और कंसोल का भी होगा. महीने के 2-2 हज़ार साइड में निकाल दो हाँ, एक. 2000 दो बार स्टारबक्स नहीं जाने का तो बच जाएगा पैसा. बस जाएगा आराम से. तो यस, दैट्स ऑल द न्यूज वी हैव फॉर दिस वीक. आई थिंक वेबो हैज समथिंग इंटरेस्टिंग इन इंडिया. सो व्हाट्स हैपनिंग? Yeah, so this was all about Sony India Hero Project, जो इंडिया में अभी पिछले 1 साल से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था. एंड जस्ट हैप्पी, लाइक मैं अलग से वीडियो भी पब्लिश करने वाला हूँ फॉर सोनी प्ले स्टेशन 5 का हीरो प्रोजेक्ट. और आउट ऑफ 300 एप्लीकेशंस, वी वर वन ऑफ दोज हु गॉट द IHP. इसका मतलब इतना ही है कि नाउ द गेम दैट वी आर मेकिंग मुक्ति, अगर आप लोगों ने सुना नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट कर लो. बट दिस गेम बेसिकली नाउ वी आर सपोज टू मेक इट फॉर प्ले स्टेशन 5, एंड द होल डेवलपमेंट इज बेसिकली टेकन केयर बाय सोनी. तो जब ये अनाउंस हुआ था ना, एप्लीकेशंस लाइक सोनी गॉट सो मेनी एप्लीकेशंस, क्योंकि उनको नहीं नहीं लगा था, क्योंकि मेरा कॉन्वर्सेशन 22 से चल रहा था, एंड दैट टाइम दे ओनली हैड लाइक 20 गेम्स जिनको वो लोग फिल्टर कर रहे थे. एप्लीकेशन डालने के बाद उनको 300 एप्लीकेशंस आए,
and that Oh, is wow. crazy, and that took them a lot more time to filter out the good games. Good thing is this was cohort 1, cohort 2 is already out, उसके एप्लीकेशंस अभी चालू है. सो वो जाके चेकआउट करो, सोनी के वेबसाइट पे भी है, यू गाइस कैन जस्ट गो चेक इट आउट. बट ये है ना, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि न्यूज़ दे रहे हैं हम लोग, बट मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूंगा इसमें कि सोनी का विजन जो है ना, इज़ नॉट अबाउट फंडिंग यू फॉर दिस वन गेम. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ बिल्ड गुड स्टूडियोज़ इन इंडिया. जो तीसरा चौथा जो उनका गेम होगा वो बहुत बड़ा सक्सेस होगा, बिकॉज सोनी आपको सिर्फ फंड नहीं कर रहा है, दे आर वर्किंग विद यू एवरी डे. हमारे एक वीक में 5 या 6 कॉल्स होते हैं सोनी के साथ. सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट दे आर शेयरिंग विद अस, विच इज़ क्वालिटी नॉलेज, इंडस्ट्री लेवल, AAA टाइटल पे, पाइपलाइंस पे जो काम हो रहा है वो नॉलेज शेयर हो रहा है, जो यूजुअली आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा. सो जर्नी के हिसाब से अगर हम 1 साल 2 साल उस पर काम कर रहे हैं, तो इमेजिन हमारी स्किल सेट 2 साल बाद क्या होगी, बिकॉज वी आर बिल्डिंग दैट क्वालिटी गेम एंड दैट क्वालिटी वो सब यूज़ कर रहे हैं. सो न्यूज़ बड़ी है, बेसिकली इंडिया में ये चाहिए था, बहुत टाइम से ज़रूरत था इसकी, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया गेम नहीं बना सकता, AAA इंडी अच्छे टाइटल्स नहीं बना सकता. अभी तो स्ट्रे को देख ले, स्ट्रे वॉज लाइक मेड बाय 5 पीपल, 5 6 पीपल, दैट गेम मेड $200 मिलियन. द स्केल देख, मतलब एक इंडी गेम का टू मेक मनी पोटेंशियल कितना बड़ा है. इंडिया में भी है बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो ये ऐसे गेम्स बना सकते हैं, फंड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था, जो अभी शॉर्ट हो चुका है सोनी की वजह से. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग ने नहीं रियलाइज़ किया, बट सोनी ने रियलाइज़ किया कि भाई ये नॉलेज जो है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है जो वो लोग दे रहे हैं, वी डेंट नो दैट एग्जिस्टेड. लाइक हमें ऐसा लग रहा था कि यस यार लोग बना देंगे, जितने डेप्थ में वो लोग हम लोग को नॉलेज दे रहे हैं ना, वो चीज़ की अमेजिंग है. सो एनी बडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग PC एंड कॉन्सोल गेम्स, स्पेसिफिकली प्ले स्टेशन गेम्स, डू अप्लाई फॉर दैट सोनी IHP. उसमें आप लोगों का अगर हो जाता है ना तो सेट है. सो या ये न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, हमारे लिए भी है. वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन मुक्ति. तो या नेक्स्ट वीक वील हैव मोर न्यूज़, अमेजिंग न्यूज़, मतलब अमेजिंग होनी चाहिए इंडस्ट्री में, वरना बस और एक ले ऑफ का न्यूज़ आ ले ऑफ का तो जाएगा. भाई इस साल तो मतलब कोई आई थिंक 0 days हैज बीन पास्ड विदाउट एनी ले ऑफ. मतलब एक दिन भी अगर निकल जाए जिसमें कोई ले ऑफ नहीं हुआ है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आज तो गंगा नहा लिए. बट चल रहा है अभी भी भाई, डाउटफुल है. बट एज वैभव सेड, या इंडिया इज डेफिनेटली अ ग्रोइंग मार्केट, सोनी इज सीइंग पोटेंशियल, द वर्ल्ड इज सीइंग पोटेंशियल. वन थिंग विच आई विल से कि मतलब टैलेंट हम लोग के पास ऑलरेडी, अब वो जो था ना वो है, फंडिंग का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है. बट आई स्टिल यू नो वॉन्ट टू पुश दिस कि जितने भी लोग इंडिया में गेम्स बना रहे हैं वो टैलेंट पे तो फोकस करो ही, लेकिन उसके साथ साथ कल्चर एंड प्रोसेस एंड नॉलेज शेयरिंग एंड गैदरिंग जो है, अपना माइंड ओपन रख के उसको एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो, बिकॉज जितना वो खुलेगा आपका अभी भी, बिकॉज आई एम सिचुएटेड इन जर्मनी, राइट. जो द परसेप्शन इज कि यू नो इंडियन गेम इंडस्ट्री इन जनरल, हमारे पास ग्रास्प नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है. तो बिकॉज ऑफ द थिंग्स वी पुट आउट, टैलेंट है लेकिन नॉलेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी पुट आउट इन आवर व्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट. सो दैट आई थिंक वो बहुत कोर लेवल पे, आई थिंक द न्यू लीडर्स आर डेफिनेटली कमिंग इन एंड शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन. वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू यू नो डू वट एवर वी कैन. तो आई वुड सजेस्ट जितने भी लीडर्स अगर इस पॉडकास्ट को भी कोई सुन रहे हैं, तो फोकस अ लॉट ऑन कल्चर. दैट इज द ओनली थिंग विच विल प्रॉमिस यू सक्सेस. कल को तुमने अच्छा गेम बना भी लिया, वो नहीं चलेगा अगर तुम्हारा कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं होगा, तो उस पर जरूर फोकस करना, एब्सोल्युटली इट इज सुपर इम्पोर्टेंट. एब्सोल्युटली. ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस कूल. वीक. चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट छोड़ो, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ गेमिंग वीकली. बाय वैभव एंड सोहम.
ऑल नेक्स्ट वीक राइट, करेंगे सी यार, नेक्स्ट यू। वीक मैंने एक्चुअली पक्का हाँ, करेंगे। भागना नहीं अभी। ऑल राइट। चलो।